नमस्कार दोस्तों, इंट्राडे टेक मुंबई में आपका कोटि कोटि नमस्कार। आई मस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इंट्राडे टेक मुंबई। सोमवार की बात एमबीए बीके सिंह के साथ, मंडे टॉक विथ एमबीए बीके सिंह हर शुक्रवार को, आज से नहीं दो साल पहले से आ रहा दोस्तों। और आप सभी लोगों को ये एपिसोड सोमवार की बात एमबीए बीके सिंह के साथ, जिसका मंडे टॉक टू विथ एमबीए बीके सिंह, इस एपिसोड में हर एक चीज़ आपको मिलता है जो पिछले एपिसोड में नहीं मिला था। और इसमें आपको स्टॉक मार्केट में जब तक आप रहेंगे, आपके स्टॉक मार्केट के लिए भी, चाहे ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, या आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एक संकेत देता है कि आपको अपने लाइफ में भी और स्टॉक मार्केट में भी क्या क्या डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, इस तरह की बहुत सारे वीडियो है दोस्तों। लेकिन ये 2023 में मार्च 17, 2023, आज शुक्रवार को जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी के जीवन में काम आने वाले दोस्तों। तो चलिए तैयार हो जाइए। अभी तक स्टॉक मार्केट में नए नए आए हैं और किसी के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, या आप किसी दोस्त के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आए हैं इंट्राडे टेक मुंबई, वर्ल्ड के किसी भी सोशल मीडिया पर इंट्राडे टेक मुंबई एमबीए बीके सिंह लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चैनल किस लिए और क्यों हमने बनाया दोस्तों, और इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो भी नए बिगनर्स हैं, स्टॉक मार्केट में जो भारतीय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो विदेश में रहते हों या हमारे देश में रहते हैं, डोमेस्टिक अकाउंट उनका हो या इंटरनेशनल अकाउंट हो, किसी तरह का ट्रेडिंग अकाउंट करते हों, ये वीडियो आपको बहुत बड़ा एक संकेत दे रहा है कि हमारा स्टॉक मार्केट आने वाले समय में कैसा होगा और आपको इस साल से 2023 से 2030 तक, 2023 से 2030 तक कैसा रणनीति होनी चाहिए इन्वेस्टर की, कैसी रणनीति होनी चाहिए ट्रेडर की, इस वीडियो में आपको यूनिक और सटीक सही आपको बातें मिलने वाली है। तो पूरा इसको देखिएगा वीडियो, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है और आपको ये स्ट्रेटेजी हम ये बता रहे हैं कि हम कैसे पिछले 16-17 सालों में जो स्टार्टिंग के 3-4 साल जो नुकसान हुआ है आपका नहीं हो, स्टॉक मार्केट में हमने प्रण किया दोस्तों। अंधे को देखना, बहरे को सुनना और लंगड़े को चलना सिखाने के लिए, गूंगे को बोलना सिखाने के लिए हम स्टॉक मार्केट में आए हैं। और मेरा प्रण है दोस्तों, नए शेयरधारकों का कभी भी नुकसान हम नहीं होने देंगे, ये हमारा प्रण है। तीन चीज़ें अपने जीवन में याद कर लीजिए दोस्तों, आपके जीवन में भी काम आएंगे और स्टॉक मार्केट में तो आएंगे। ऐसे कहीं आप इन्वेस्ट आँख बंद करके नहीं कीजिएगा जीवन में। अगर किसी ने कह दिया कि इस शेयर में पैसा लगा दो, किसी ने कह दिया कि इस स्टॉक को उठाकर ले लो, ऐसा कभी नहीं करना दोस्तों। दूसरी तरफ कभी भी स्टॉक मार्केट में हो आप, या आपके जीवन में किसी तरह का कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, किसी तरह का कोई लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो, या एजुकेशनल लोन हो, या आपको आपके जीवन में क्रेडिट कार्ड के जो वो भी एक लोन है दोस्तों, अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप एक घर में, छोटे से घर में रह रहे हैं, आप बड़े घर के सपने देख रहे हैं, अच्छी बात है, देखना चाहिए, लेकिन उसके पहले आप ये भी देखना चाहिए कि जो हम 20-25 साल के लिए होम लोन ले रहे हैं,
क्या 20-25 साल तक हम इसको भर पाएंगे, और क्या हमारी आने वाला जो 20 साल 25 साल है उस उम्र तक हमारे इनकम के जो स्रोत हैं क्या वही रहेंगे या बढ़ेंगे, या हमारा हो सकता है कि इनकम आज जो है कल नहीं रहे। और इसलिए मैं ये इसको बनाना वीडियो समझा कि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर लोन लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, MBA BK सिंह 1 बिलियन टाइम्स कहते हैं कि कभी भी ऐसी गलती नहीं कीजिएगा दोस्तों। अगर क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है आपको, आप अपने सक्षम जो आत्मनिर्भर भारत उसको कह सकते हैं, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, आप उसको क्रेडिट कार्ड को आपको लूल्हे लंगड़े बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको लूल्हा लंगड़ा बना देता है क्रेडिट कार्ड दोस्तों, और आपको मजबूर कर देता है कि आप सोचते हैं आपका माइंड में रहता है कि हमारे पास चलो 2 लाख का तो क्रेडिट कार्ड है, खर्चा करो, और एक दिन आप उसको कर्जे को चुकाने के लिए, उसका EMI भरने के लिए, खर्चा किए उसको मेंटेन करने के लिए आपके पसीने छूटने लगते हैं, और एक दिन करप्ट होता है, एक दिन लॉस हो जाता है, एक दिन बाउंस हो जाता है, आपके कर्जे पे कर्जे, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, 2 लाख का पता चलता है कि 5 लाख हो गया। उसके बाद आपका सिविल स्कोर ख़राब होता है, क्रेडिट स्कोर ख़राब होता है, और फिर आने वाले समय में आप एक नॉन लोनर, और कोई भी उसको बोलते हैं सिविल स्कोर आपका बहुत ही ख़राब हो जाता है, और आपको कोई भी लोन देने के लिए तैयार नहीं रहता है जब आने वाले समय। तो आप क्रेडिट कार्ड लेने से पहले ज़रूर इस बात को देखिए कि क्या क्रेडिट कार्ड हमारे लेने से हमें 2 लाख रुपया का मदद कर रहा है। अरे 2 लाख रुपया अगर आप चाहेंगे तो 2 महीने में बना सकते हैं दोस्तों, सिर्फ 2 महीने में 2 लाख बना सकते हैं, और उस 2 लाख को एक स्टॉक मार्केट में नहीं, एक जगह आपने डिपॉजिट कर दिए अकाउंट में, और समझिए कि वो क्रेडिट कार्ड है हमारा। 2 लाख रुपया जमा कर दीजिए, वो समझिए कि हमारा क्रेडिट कार्ड है, और जब जैसे कि क्रेडिट कार्ड की तरफ आप यूज क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं वैसे ही यूज कीजिए, और जितना यूज करते हैं उस 50 डेज का जो लिमिट देता है उस 50 डेज में उस पैसे को फिर अकाउंट में आप डालने की कोशिश कीजिए। ये बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, और 50 दिन से ज़्यादा अगर हो जाता है तो जितना इंटरेस्ट वो क्रेडिट कार्ड की जो कंपनी है या NBFC के हो, प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक, क्रेडिट कार्ड की जो इंटरेस्ट ब्याज का ब्याज मिश्रधन ब्याज जोड़ कर लेते हैं, उस अनुसार आपने जो 2 लाख जमा किया है जिसमें से 50 दिन नहीं जमा किए और 60 दिन 70 दिन हो जाता है, उस हिसाब से उसमें जमा करने की कोशिश कीजिए, और देखिए आपकी एक मानसिक स्थिति जो है कैसा आप डेवलप करते हैं दोस्तों। इसलिए ये मत सोचिए कि 2 लाख हमने जमा किया चलो खर्चा करेंगे तो भरना नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड उसको समझ लीजिए, अगर ऐसे जिस दिन से करना शुरू कर दिए तो समझिए कि आप तब उस पैसे को स्टॉक मार्केट में, इस वीडियो का मकसद देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड ना लेकर 2 लाख का समझिए कि क्रेडिट कार्ड हमें किसी बैंक ने दिया है, 50 दिन का लिमिट है, और 50 दिन के लिमिट में आप ऐसे सर्च कीजिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, एक स्टॉक आपको आपकी लाइफ चेंज कर देगा, और उसके लिए 3 साल आप स्टॉक मार्केट में दे दीजिए, सिर्फ 3 साल, और 3 साल में कितना घंटा, सिर्फ 2-2 घंटे, 365 दिन हो जाता है कितना, 730 घंटा, 2-2 घंटा दिए एक साल में, तो 770 के 21 लगभग 2200-2300 घंटा आपने दे दिया, तो समझ जाइए कि ये 2 लाख रुपया कुछ भी नहीं है। और तब 50 दिन के अंदर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो वो 2 लाख रुपया से 10 लाख बना सकते हैं, और अगर नहीं बना 60 दिन के अंदर हुआ तो उसके इंटरेस्ट के साथ भी उसमें अपना पैसा जमा कर, लेकिन क्रेडिट कार्ड ले लिए अगर आपके पास सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा उस पैसे को लगाने के लिए, तो आप बुरी तरह फंसने वाले हैं, और ऐसे बहुत लोग फंस चुके हैं और उनका
बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान उनकी मानसिक स्थिति का हुआ और आज के डेट में वो रोने और पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। तो जीवन में कभी भी लोन लेकर, क्रेडिट कार्ड लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, चाहे इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। अब आइए तीसरी बात। पहली बात तो बिना सोचे समझे स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए किसी का। दूसरा, लोन क्रेडिट कार्ड। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट, आपके जीवन में भी काम आएगा और शेयर बाज़ार के लिए तो ये आपका समझिए कि जैसे श्रीमद् भागवत गीता है, जैसे रामचरित मानस है, आपको एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक है, उसी तरह ये जो हम आपको बातें बताने वाले दोस्तों आपके जीवन में भी आएगा काम। और किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन में आप फंसे हैं तो ये आपको मेरी बातें जरूर याद आएगी। आप देखिए दोस्तों, आपको एक भी पैसा आपके अकाउंट में नहीं है, आपके पैसे की ज़रूरत है। मान लीजिए सपोज डेट 1 लाख की ज़रूरत है, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, एज एग्जांपल लेट्स मान लिया। इसलिए कि कोई भी साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और गणितज्ञ होता है जो वो मानता है एक्स बराबर एन डी ए बी के सी। एक्स क्या है वो लास्ट में पता चला कि एक्स बराबर ये होता है। तो मान लिया कि आपके पास 1 लाख है, आपके पास 1 लाख है और उस 1 लाख को आप विजुअली स्टॉक मार्केट में आज लगा रहे हैं। 1 साल तक आप डेली खरीद बिक्री कीजिए, सिर्फ विजुअली डायरी मेंटेन कीजिए और लिखिए इस स्टॉक को लिए या बेचे, और 1 साल के देखिए कि आपको क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। अगर हम लोन लेकर करते तो आज क्या स्थिति होती। और ये सबसे बड़ी आपको एक चीज़ इसका निष्कर्ष जानते क्या निकलेगा, आप जो हम नहीं बता पाए, जो हम नहीं सिखा पाए और कोई नहीं बता पाएगा, वो अनुभव आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बढ़ाएगा जीवन में दोस्तों। और ये रणनीति अपना लीजिएगा तो समझ लीजिए, ये हम अपना अनुभव बता रहा हूँ दोस्तों, जो भी हम आपको शेयर कर रहे हैं ये बातें, ये हमारा 16-17 साल का आपको एक्सपीरियंस आपको जीवन में काम आने वाला है। चलिए इतना देर बढ़े हुए हैं दोस्तों, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं इंट्राडे टेक मुंबई को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब आइए सोमवार को कौन सा स्टेक इंट्राडे में सुबह से शाम तक कमाई करेगा और फ्यूचर में बाई ऑप्शन के पुट में कॉल बाई, तो आ जाइए लिख लीजिए। नंबर 1 टाटा मोटर्स, नंबर 2 मारुति सुजुकी, नंबर 3 अशोक लीलैंड, नंबर 4 महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स, नंबर 5 बजाज ऑटो, नंबर 6 हीरो मोटर कॉर्प और नंबर 7 आयसर मोटर, नंबर 8 टीवीएस मोटर, नंबर 9 एमएम फॉर्गिंग्स, नंबर 10 आरके फॉर्गिंग्स, नंबर 11 बीएलडब्ल्यू सोना प्रेसिडेंट्स फॉर्गिंग्स और नंबर 13। अब बताएंगे कि इंट्राडे के लिए कौन सा, फ्यूचर में क्या बाई करेंगे, ऑप्शन के पुट में क्या करेंगे। और नंबर 13 टाटा एलेक्सी और टीसीएस, जी हाँ, और टेक महिंद्रा, जी हाँ, और भारत फोर्ज, जी हाँ, और 3 स्टॉक, 3 नहीं 4, 4 स्टॉक अगर आपके पास है दोस्तों तो कम से कम 2030 तक आप लेते रहिए। क्या बकरंगी बहुत सस्ता स्टॉक है, और दूसरा वो भी मैं आपको बता दूं, के पी आर मिल्स और GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और NIA न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साथ SBI लाइफ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। तो
क्रेडिट कार्ड, लोन्स और आपके जीवन के साथ साथ स्टॉक मार्केट। आप जरूर आगे पीछे करके शुरू वाला जो 5 मिनट का वीडियो है वो जरूर सुनिए और अपने दोस्तों को भी सुनाइए और यही काम कीजिए दोस्तों, फिर देखिए आपका जीवन कैसे चेंज होता है। इस वीडियो के बाद आएगा दोस्तों कि निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक सोमवार को कितना नीचे जाएगा, निफ्टी बैंक कितना ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, सेंसेक्स क्या क्या हाल रहेगा और ग्लोबल स्टॉक मार्केट डाउ जोन्स नैस्डैक की क्या स्थिति होगी और जो ब्याज की दरें हैं और बेरोजगारी की जो समस्या है, विदेशों की बात करते हैं, फेड की बात कर रहे हैं, चाइना हो या अमेरिका, और उसका क्या असर हमारे RBI की ब्याज दर बढ़ने वाली है, और ब्याज दर बढ़ने वाली है तो इसका क्या असर पड़ेगा हमारे और आपके जीवन में। ब्याज दरें बढ़ती हैं तो क्या हमेशा के लिए बढ़ेंगी, ये सारी चीज़ों का सवाल इस वीडियो के बाद मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, ईश्वर से हमें यही कामना करते हैं दोस्तों, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है।